और यहाँ के राजनेताओं होश में आ जाओ। अगर आपने नहीं सुना, अगर हिंदुओं की चिंता और चिंता नहीं किया तो आपको भी। अरे बांग्लादेशी आतंकवादियों, अपने को संभालो, नहीं तो जैसे तुम से बुरी तरीके से हम तुम्हारे देश पर आक्रमण करेंगे। बांग्लादेश में छात्र आंदोलन को लेकर फैली अशांति के बीच शेख हसीना प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देकर भारत चली आई थी। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने मार्च निकाला और सरकार से मांग की कि वहां पर हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को रोके। जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदू माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, इंटरनेट को बंद कर दिया गया है, जिस प्रकार से वहाँ पर छात्र आंदोलन के नाम पर हिंदुओं को मारा जा रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं, मांग करते हैं कि अगर बांग्लादेशी नहीं मानेंगे तो हिंदुस्तान से बांग्लादेशी को भी पूज्य साधु संत निकल कर और भगाएंगे। और मैं निवेदन करता हूँ यहाँ के मुसलमानों से, जब यहाँ कुछ हो जाता है तो 56 कंट्री के लोग चिल्लाने लगते हो। आज बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है, सब मौन साधे चुप साधे हुए। और यहाँ के राजनेताओं होश में आ जाओ। अगर आपने नहीं सुना, अगर हिंदुओं की चिंता और चिंता नहीं किया तो आपको भी। तो यहाँ भारत देश में रहने वाले जो रोहनिया मुसलमान हैं, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उनको भी इसी तरह से जैसा वहाँ किया जा रहा है बांग्लादेश में। इसलिए अपील है अयोध्या के संतों महंतों से, भारतवर्ष के संतों महंतों से, आप लोग बाहर निकलिए, इसका कड़ा विरोध करिए। जय श्री राम। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने शुक्रवार को राम जन्मभूमि पथ से नया घाट तक पैदल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मांग की कि भारत सरकार बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की रक्षा के लिए आगे आए। यदि बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रुका तो भारत में रह रहे बांग्लादेशियों पर भी उसी तरह का जवाब दिए जाने की चेतावनी भी दी। पैदल मार्च में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र, राम मंदिर निर्माण के प्रभारी गोपाल राव, महंत वैदवी वल्लभ शरण, महंत राम लखनदास, महंत शशिकांत दास, राजू दास सहित बड़ी संख्या में संत और विहिप के कार्यकर्ता शामिल रहे। बांग्लादेश छोटा देश है, अगर भारत उसके ऊपर आक्रमण करेगा तो एक दिन में समाप्त हो जाएगा। आज जो यात्रा निकाली गई है, ये बांग्लादेश रोहिंग्या मुसलमान जो हमारे हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ रहे हैं, हिंदू भाइयों को मार रहे हैं, हमारी माँ बहनों के साथ अत्याचार कर रहे, विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के नेतृत्व में, संपूर्ण संत समाज के नेतृत्व में यात्रा निकाली गई है। अब रोहिंग्या मुसलमानों को भी अगर ये नहीं माने बांग्लादेशी तो हम भारत देश से निकाल देंगे। और जो उनके साथ कार्यक्रम किया जाएगा, शायद उन्होंने सोचा नहीं होगा। बांग्लादेश वासियों, मुसलमानों, तुम समझ जाओ, अब याचना नहीं, अब रण होगा, युद्ध महाभीषण होगा। अब आपको विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल माफ नहीं करेगा, संत समाज माफ नहीं करेगा, हिंदू समाज माफ नहीं करेगा, सनातनी माफ नहीं करेंगे। मुसलमानों के हमको लग रहा कि बांग्लादेशी मुसलमानों के बुरे दिन आने वाले हैं। अरे बांग्लादेशी आतंकवादियों, अपने को संभालो, नहीं तो जैसे तुम से बुरी तरीके से हम लोग हम तुम्हारे देश पर आक्रमण करेंगे।